अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए आपको कुछ तो एफर्ट करना होगा। वो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा समझदार होता है जो अपनी असफलता को खुद समझ जाए कि मैं किन कारणों से असफल हो रहा हूं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। एक समय में एक राजा था, यही टाइम मान लीजिए मध्यकाल का भारत का समय था। और राजा कई बार क्या होता था कि वो बहुत सारे काम करते थे तो कई बार लोग उनसे बड़ा खुश हो जाते थे। तो एक बार राजा शिकार पे गए हुए थे और वहां पर क्या हुआ कि किसी आदिवासी समुदाय के नेता ने खुश होकर राजा को दो बाज के बच्चे दिए। बोले ये बहुत ही रेयर बाज हैं जो आसानी से नहीं मिलते, बहुत सुंदर बाज के बच्चे दिए। और बादशाह उन बच्चों को लेकर वापस अपने राजमहल आ गए, सिपाही वगैरह लेके आए और लाके पिंजरा रख दिया। तो बादशाह ने कहा कि अब इनकी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को बुलाया, भाई हर फील्ड के लोग अलग होते हैं ना जानवरों की देखभाल करने वाले। और उस अनुभवी व्यक्ति को दोनों बाज के बच्चे सौंप दिए, कहा आप इनको पालिए, इनकी देखभाल कीजिए, जब ये कुछ बड़े होंगे फिर हम देखेंगे। क्योंकि बाज किस लिए प्रसिद्ध होता है? अपनी उड़ान के लिए, है ना, बाज बहुत ऊंचा उड़ता है। जब 3-4 महीने गुजर गए तब राजा को अचानक ध्यान आया, बोले आज चलो चलते हैं जरा बाज की उड़ान देखें। तो फिर उन्होंने उस आदमी के पास खबर भेजी और बोले कि आज हम आते हैं और हम बाज की उड़ान देखेंगे। जंगल में पहुंचे अपने उस एरिया में जहां पशु पक्षी सब रखे जाते थे, और उसने दोनों बच्चों को निकाला। दोनों बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर हो गए थे, उनके पर अच्छे हो गए थे। और जब उसने इशारा किया, इन लोगों को अंदाजा होता है ना पूरा कैसे उड़ाया जाएगा, और जब वो उड़े तो एक बाज तो बहुत दूर तक आसमान में चला गया उड़ता हुआ, और जो दूसरा बाज था वो गया थोड़ी दूर उड़ा और उड़ के आके फिर डाल पर बैठ गया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा भाई ये क्या बात है कि एक बाज तो इतनी ऊपर उड़ान भर रहा है आसमान में और दूसरा बाज तुरंत आकर कहाँ बैठ गया, डाली पर बैठ गया। तो कहा महाराज ये बचपन से ही ऐसा है। तो बोले इसका मतलब तो ठीक नहीं है ये बात कि ये उड़ना नहीं चाहता है। बोले नहीं, ये शुरू से थोड़ा उड़ता है जितनी मर्जी होती है अपनी, और फिर आके ये डाल पर बैठ जाता है, थोड़ा मनमौजी है। अब बादशाह भी सनकी, बादशाह ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा इनाम सोने की 100 मोहरें देंगे जो व्यक्ति इस बाज को एक लंबी उड़ान पर भेजेगा, यानी वो जो ये प्रयास करे कि ये बाज भी किसकी तरह उड़ने लगे, अपने दूसरे जो उसका सहयोगी बाज है उसकी तरह उड़ना शुरू कर दे। भाई गांव देहात हर जगह से लोग आने लगे, 100 मोहरें बहुत होती हैं सोने की, चिड़ीमार आने लगे। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन बाज क्या करे, थोड़ी दूर जाए लौट के आकर फिर बैठ जाए। बादशाह ने भी होप छोड़ दी, बोले ये इनाम लगता है कोई ले नहीं पाएगा। एक दिन अचानक दोनों बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे, और तब बादशाह के पास सूचना भेजी गई कि अब आप देख सकते हैं दोनों बाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। बादशाह ने बाहर निकल के देखा, कहा भाई ये कारनामा किसने किया? तो कहा ये कारनामा एक किसान ने किया है। तो बोले उसको बुलाया जाए दरबार में। किसान आया, किसान से कहा कि ये बताओ तुमने ऐसा कैसे किया? तो उसने कहा महाराज मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूं, कम समझदार, यहाँ तो सब बड़े बड़े विद्वान लोग लगे हुए थे बाज को उड़ाने पर, मैंने तो साहब सीधा सा एक काम कर दिया, ये जिस डाल पर आके बैठ जाता था मैंने डाल काट दी। ठीक है, बोले इससे क्या हुआ? बोले जब डाल इसको नहीं दिखी तो इसके पास उड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि जानवर ना सध जाता है कि उसको पर्टिकुलर उसी डाल पर बैठना है, वो इंसान की तरह दिमाग नहीं लगाएगा, ये नहीं तो अभी उधर ये करते हैं उधर करते हैं। और बोले फिर ये उड़ा, बादशाह ने उसको बहुत सारी अशर्फियां दी और भी धन दौलत उपहार दिए और विदा कर दिया। और फिर उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर आपको बार बार असफलता मिल रही थी तो किसी का भी दिमाग इस बात पर नहीं जा रहा था कि वो बाज को कैसे उड़ाए। उस किसान ने क्या किया, उस बाज के इजी जोन को खत्म कर दिया, है ना, वो कंफर्ट जोन में था कि वो तुरंत थोड़ा सा उड़ा फिर आके बैठ गया, उसको एक टेक मिली हुई थी, एक सहारा मिला हुआ था, और कोई भी व्यक्ति उस चीज को नहीं बदल रहा था।
और किसान ने क्या किया, वो समझ गया और उसने उसी चीज को बदल दिया, उस डाल को काटा, और उसके काटने की वजह से उसका कंफर्ट जोन खत्म हो गया, तो उसका आलस भी खत्म हो गया और वो दूर आसमान में फिर उड़ना शुरू कर दिया। तो कई बार ना हमारे अंदर शक्ति होती है सफल होने की, ताकत होती है सफल होने की, लेकिन अगर हम अपने एक ढर्रे पर आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कई बार वो क्या करते हैं, पढ़ाई का एक ढर्रा बना लेते हैं कि जैसा हम पहले साल से पढ़ रहे हैं, पांचवीं छठी साल में भी अगर आप उसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आप उतनी ही दूर हो सफलता से जितना पहले साल में थे। हर बार का एग्जाम आपको ये बताए कि इस बार आपने क्या गलतियां की हैं और आप मूल्यांकन करें और तुरंत आप अपने पैटर्न को चेंज करें, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेल्फ स्टडी के नाम पर टेस्ट से बच रहे हैं, कहीं आप सेल्फ स्टडी के नाम पर क्लास से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है कि जिस टाइम चाहो सो के उठ रहे हैं, पढ़ लेंगे। मैं बहुत लोगों को ये कहते सुनती हूँ कि अभी मैं सेल्फ स्टडी में हूँ, लेकिन कई बार सेल्फ स्टडी आपका कंफर्ट जोन बन जाती है, लेकिन जब आप एक तारतम्यता में हैं, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में हैं, बेहतर गाइडेंस आपको मिल रहा है, लगातार अपनी कमजोरियों को समझ रहे हो, फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब आप एक्चुअल सेल्फ स्टडी के जोन में हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कम आउट योर कम्फर्ट जोन, है ना, और सफलता हासिल करो। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी कमियों को देखो, स्वीकार करो और तुरंत उस कंफर्ट जोन को खत्म करो जिसकी वजह से आप सफलता से दूर हो। क्लियर? ठीक है।